मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान मची हुई है। सरकार बनाए हुए 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन पार्टी नया अध्यक्ष अब तक नहीं चुन पाई है। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। खबरें आ रही हैं कि पार्टी में अपनी अनदेखी और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाए जाने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से नाराज चल रहे हैं। एक नाम शोभा ओझा का भी चल रहा है। शोभा ओझा से हमारे सहयोगी अजय झा ने बातचीत की। मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष को लेकर तलाश जारी है और इस बीच गुटबाजी भी वहां शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए शोभा ओझा जी हैं। कई नाम चर्चा में हैं, बाला बच्चन का नाम, अजय सिंह का नाम, आपका नाम, और इस सब के बीच जो गुटबाजी और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज है, क्या कहें? देखिए, मैं नहीं समझती कि कोई भी नेता नाराज़ है, और ख़ासतौर पे सिंधिया जी एक कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, तो मैं नहीं समझती उनकी कोई नाराज़गी है। हाँ, नए अध्यक्ष को लेके विचार विमर्श जरूर हो रहा है। आदरणीय कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं और दोहरी जवाबदारी है, वो खुद चाहते हैं कि नया अध्यक्ष बने। आदरणीय सोनिया जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी, इस और निर्णय लेंगी। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपना दावा पेश करे, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई गुटबाजी है। कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं है। सब एकजुट होकर सबने बीजेपी के कुशासन को उखाड़ के फेंका है, और आने वाले दिनों में सब एकजुट होकर नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत सबके चुनाव हम जीतेंगे। जो अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसको घर घर पहुँचाएंगे। कमलनाथ जी मिल के गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष से, उन्होंने ये बाहर निकल के कहा कि वो खुद भी चाहते हैं कि उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, अध्यक्ष पद वो छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, वो जो जिस तरह से खुलकर बोल रहे हैं कि सरकार भी वहाँ ठीक से नहीं चल रही है, तो आपको लगता है कि इसका नुकसान पार्टी को? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो ऐसा कहता है कि सरकार वहाँ अच्छे से नहीं चल रही है, वो कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी कर रहा है। हम काफ़ी लोग चाहते हैं आदरणीय ज्योतिरादित्य जी बने अध्यक्ष, और उनकी भावनाएं उनके साथ हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और 15 साल की जंगलराज का अंत हमने किया है। मात्र 8 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने हर तरह के माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे मिलावट माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, सब को सख्ती बरतते हुए काबू में किया है, और एक सुशासन मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे में अगर कोई ये कहे कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, वो तो गलत होगी। धन्यवाद। तो साफ तौर से शोभा ओझा जी का कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जहाँ तक गुटबाजी की बात है, हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपना ये कहे कि वो अध्यक्ष पद की रेस में है या उसके समर्थक कहें, लेकिन आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।